बाल और माता की। पैरा टूपर्स का शौर्य देख हिल गया ची, T90 की दहाड़ से घबरा गया जिनपिंग। अपाचे हेलीकॉप्टर के दम से चीनी बौने हो गए बेदम। भारतीय जवानों ने दिखाया नहीं है किसी से कम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में LMG गन, ये है आखिरी चेतावनी, सुधर जाओ ड्रैगन। गौर से सुन देख लो ची, एक इंच नहीं ले सकोगे जमीन। भारत की एक इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। इतनी तोपे इतनी गन, देख चीन की गिनती पड़ गई कम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चीन ने गद्दारी भी की और धोखा भी दिया, मौका लगते ही गलवान की गलती भी कर बैठा, लेकिन अब दोबारा वो ऐसी हिमाकत करने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं उसकी धमक पहले ही बीजिंग तक पहुंच चुकी होगी। यकीन नहीं होता तो आप भी भारतीय वीरों के शौर्य की एक झलक देख लीजिए। पैराट्रूपर्स की कमांडो फोर्स पल भर में ले से उड़ान भर किस तरह से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है, वो देखने के लिए देखिए LAC से भारतीय रक्षा मंत्री के सामने भारतीय रक्षकों का एक्शन। की है बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की।
यह प्रदर्शन दुश्मन के इलाके में बॉर्डर से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर दर्शाया गया है। भारतीय शेरों की दहाड़ तो आपने सुन ली, अब खुद इन्हीं जवानों की जुबानी सुनिए, क्या है पैरा ट्रूपर्स की ताकत और कौन कौन सा सामान उनके पास होता है ताकि वो दुश्मन पर आग की तरह टूट पड़े और उसे जलाकर खाक कर दे। दो तरीके से अपने पैराशूट का इस्तेमाल करें। पहले तरीके में ये जहाज से कूदते ही अपना पैराशूट खोल दे। इस तरीके में ये दुश्मन के इलाके में 18 से 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदने के बाद सुन लिया ना आपने, समझ लिया ना आपने, ये भारत की वो तैयारी है जिसकी आवाज से चीन बहरा हो जाएगा। क्योंकि अगर इस बार जिनपिंग ने गलवान जैसी गलती की तो नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। इस टारगेट इक्विपमेंट की मदद से दिन में 10 किलोमीटर की दूरी से और रात में 5 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को बर्बाद किया। भारत की एक इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। जिसकी चेतावनी लेह के ग्राउंड जीरो से हमारे रक्षा मंत्री ने भी दे दी है, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय सेना के पास है पैरा ट्रूपर्स, जो दिन हो या रात किसी भी समय किसी भी मौसम में हथियार उठाकर दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकते हैं। इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी छोटी टुकड़ी किसी भी टारगेट पे, जैसे ब्रिज, कम्युनिकेशन सेक्टर इत्यादि, उसके ऊपर इससे एक लेजर मारता है। ये लेजर जब टारगेट पे जाता है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। इस रिफ्लेक्ट हुए लेजर को हमारे जहाज 17 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं और उसके ऊपर अपने लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्ब गिराते हैं। वो बॉम्ब इस लेजर के ऊपर सवार होकर अपने टारगेट तक 3 से 5 पैरा कमांडो की ट्रेनिंग में राइफल और 20 किलो वजन लेकर 20 से 60 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। इसमें पास होने के बाद घातक कमांडो को युद्ध चढ़ाई, रस्सी पर चलना, पहाड़ों पर चढ़ना, पैराशूट क्वालिफाई करवाई जाती है। इन्हें कमांडो ट्रेनिंग भी करना होता है। आपने भी देखा कि किस तरीके से हवा के द्वारा हमारे कॉम्बैट पीपल दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से पानी के रास्ते दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए एक पैराशूट बटालियन में कॉम्बैट डाइवर्स मौजूद होते हैं। इन्हीं के शौर्य की एक झलक
आज चीन के साथ पूरी दुनिया ने देखी और एक संदेश भी मिला कि भारत पहले किसी को छेड़ेगा नहीं, और अगर किसी ने हिंदुस्तान की तरफ आंख भी उठाई तो ये पैरा ट्रूपर्स उन्हें बख्शेंगे नहीं। आपने भी देखा कि किस तरीके से हवा के द्वारा हमारे कॉम्बैट ट्रूपर दुश्मन के इलाके में इंफिल्ट्रेट कर सकते हैं, इसी तरीके से पानी के रास्ते दुश्मन के इलाके में इंफिल्ट्रेट करने के लिए एक पैरा बटालियन में कॉम्बैट डाइवर्स मौजूद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑब्जर्वेशन करने के लिए और लंबी दूरी से दुश्मन के महत्वपूर्ण कमांडर को निशाना बनाने के लिए पैरा एसर बटालियन में 7.338 पैरा ट्रूपर्स का पराक्रम तो आप लोगों ने देख लिया। अब 390 भीष्म और अपाचे की गर्जना भी सुन लीजिए, वो भी इस अंदाज में जो इससे पहले ना दुनिया ने कभी देखी थी और चीन को इसकी भनक थी। यानी एक बात साफ है, ये तैयारी चीन के कदमों को और पीछे धकेल देगी, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है जो आंख दिखाना भले ही ना जानता हो, लेकिन आंख दिखाने वालों से आंख में आंखें मिला करके अपनी ताकत दिखाना इसे अच्छी तरह से आता है। भारत माता की, भारत माता की। भारत की एक इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। भारत के रक्षा मंत्री के हाथ में हथियार। मानस भाई, भारतीय सेना के जवान भी उनके साथ। सामने वीरों की वीरता की प्रदर्शनी। ये वो तस्वीर है जिसने जिनपिंग की नींद उड़ा दी होगी। जिसने चीन को बता दिया कि भारत डरने वाला नहीं है। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको भारतीय पैरा ट्रूपर्स की शौर्य गाथा सुनाई, अब पूरे युद्ध का माहौल देखिए। इतनी तोपें, इतनी गन, देख चीन की गिनती पड़ गई कम। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जमीन पर T-90 भीष्म है, पैदल चलते भारतीय जवान हैं। ये भारत की वो रक्षा आर्मी है जिसने रक्षा मंत्री के सामने अपनी ताकत का नजारा दिखाया। अपाचे और भीष्म की ताकत भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन पहले आज के युद्धाभ्यास का नजारा तो आप भी देख लीजिए। ये गर्जना चीन तक सुनाई दी होगी, ये तैयारी चीन तक दिखाई दी होगी। अब इनकी ताकत और खासियत भी जान और समझ लीजिए। सबसे पहले T-90 भीष्म को जानिए। टैंकों का अलग ही रुतबा होता है, लोहे के इन योद्धाओं की ताकत ही अलग होती है।
और T-90 यानी भीष्म तो भारत का महाबली है, जिसने एक वार किया तो दुश्मन कैंप में तबाही मच जाती है। इसका कवच अभेद्य है और निशाना अचूक। ये किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत की पूरी सेना के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है, और ये रशिया और भारत के जो गहरे कोलैबोरेशन को भी दर्शाता है। इस टैंक को भारत बहुत पहले से एक्वायर करता रहा है और इसके एडवांस वर्जन को भी भारत लगातार एक्वायर कर रहा है। दुश्मन के खिलाफ भीष्म भारत का अटूट भरोसा है। ये भरोसा भीष्म की क्षमता से आता है। भीष्म को ना परमाणु हथियार मार सकता है, ना जैविक हथियार नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसकी सीमा में जो आएगा उसका बच पाना नामुमकिन है। इस टैंक की ताकत इसकी 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है, जिससे कई तरह के एंटी टैंक और मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसमें ऑटोमेटिक लोडर है, फायर कंट्रोल सिस्टम है। दिन हो या रात, ये टैंक दोनों समय लड़ने की क्षमता रखते हैं, जो पलक झपकते ही चीन कैंप का नामोनिशान मिटा सकते हैं। अब अपाचे हेलीकॉप्टर को जानिए। अपाचे दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी वाले युद्धक हेलीकॉप्टर हैं, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना भी करती है। ये मल्टी रोल कॉम्बैक हेलीकॉप्टर है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन की वजह से रडार आसानी से पकड़ नहीं पाते। अपाचे में हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें फिट हो सकती हैं। इसके जरिए रॉकेट और ऑटोमेटिक कैनन गन भी ले जाना आसान है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए दो इंजन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। इसे दिन या रात किसी भी मौसम में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। टारगेट चल रहा हो या रुका हुआ हो, अपाचे उसे पहचानने की क्षमता रखता है। ये वो हथियार हैं जिनकी झांकी ने राजनाथ सिंह से लेकर हर भारतीय को वो भरोसा दिया है, जो आत्मविश्वास पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।